दोस्तों आपको स्क्रीन में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस ग्रह की तस्वीर। इस ग्रह में एसिड्स की बारिश काफी ज्यादा आम है, तो आप सोच ही सकते हो कि इस ग्रह में भेजने गया मिशन कितना ज्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों इस तस्वीर को खींचा था वेनेरा स्पेस मिशन के वेनेरा 13 प्रोव ने। दोस्तों वेनेरा मिशन सोवियत यूनियन का एक काफी अहम मिशन था। इस मिशन के दौरान उन्होंने तकरीबन 15 प्रोब्स को वीनस ग्रह की ओर भेजा, जिनमें से सिर्फ 10 प्रोब्स ही वीनस ग्रह पर लैंड कर पाए, क्योंकि वीनस ग्रह के डेंस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। 1 मार्च 1966 वेनेरा 3 मैनमेड पहला ऐसा मिशन बना जिसने वेनियस एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया था। उसके बाद 15 दिसंबर 1970 को वेनेरा 7 पहला ऐसा मिशन बना जिसने वीनस की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, पर वेनेरा 7 वीनस की सरफेस पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। वेनेरा 7 वीनस की गर्मी को झेल नहीं पाया और कुछ देर के बाद ही उसका और सोवियट्स का कनेक्शन टूट गया। मैं आपको बता दूं, वीनस का सरफेस टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों ऐसे गर्म तापमान में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर उसके बाद आया 8 जून 1975 का वेनेरा 9 मिशन। दोस्तों वेनेरा 9 ने वीनस की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग भी की और उसने सबसे पहली बार वीनस के सरफेस की तस्वीर भी खींची। वो तस्वीर जरूर से ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर वो वीनस के सरफेस की खींची गई सबसे पहली तस्वीर थी। इसके बाद आया वेनेरा मिशन का सबसे सक्सेसफुल मिशन वेनेरा 13। दोस्तों वेनेरा 13 को 30 अक्टूबर 1981 को वाइकुनर लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। दोस्तों वेनेरा 13 1 मार्च 1982 को वीनस के ईस्ट ऑफ फोइबे रेज्यू में लैंड हुआ। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वेनेरा 13 वीनस की सरफेस पर 127 मिनट तक जिंदा रहा और उसने वीनस के सरफेस की काफी सारी कलर्ड इमेज भी हमें दी। दोस्तों वेनेरा 13 में माइक्रोफोन्स भी अटैच थे जिससे वैज्ञानिक वीनस ग्रह के एटमॉस्फेयर की आवाजों को सुन पाए। वेनेरा 13 ने एटमॉस्फेयर की आवाजों को रिकॉर्ड भी किया था, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें पृथ्वी पर भेज नहीं पाया। पर उसके साथ गए वेनेरा 14 ने अपने माइक्रोफोन से उन आवाजों को रिकॉर्ड किया था और उन्हें सक्सेसफुली पृथ्वी पर भी भेजा था। दोस्तों आप वीनस ग्रह पर रहते तो आपको हर टाइम कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनसीन इजाजत देता हूं आपसे, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।